हरियाणा में सरकार गठन को लेकर चर्चा तेज, बहुमत न मिलने से सभी दलों में चर्चा का दौर तेज। बीजेपी निर्दलीय और जेजेपी से संपर्क साधने में जुटी। आज दिल्ली में पार्टी के बड़े नेता करेंगे बैठक, कांग्रेस के नेता भी सरकार बनाने की जुगत में लगे। हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद किंग मेकर की भूमिका में आई जेजेपी की अहम बैठक। आज बीजेपी या कांग्रेस को समर्थन देने पर होगी चर्चा। सूबे में जेजेपी को मिली है 10 सीटें, बीजेपी और कांग्रेस किसी भी दल को नहीं मिला है बहुमत। चुनावी नतीजों के बाद आज दिल्ली में कांग्रेस थिंक टैंक ग्रुप की बैठक, सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होगी मीटिंग। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनावी नतीजों पर भी चर्चा संभव। अर्थव्यवस्था, एनआरसी समेत कई मुद्दों पर भी होगी बात। सरकार को घेरने की बनेगी रणनीति। मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल तेज, आरसीईपी समझौते को लेकर सड़क पर उतरेंगे भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता। अन्नदाताओं ने कहा, किसान विरोधी नीतियां लेकर आ रही है केंद्र सरकार, हम इस फैसले का नहीं करेंगे समर्थन, सरकार को वापस लेना होगा फैसला। आज बिहार दौरे पर जाएंगे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, विश्व शांति स्तूप राजगीर के 50वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी भी करेंगे समारोह में शिरकत। कार्यक्रम में पूरी दुनिया से बौद्ध विद्वान लेंगे हिस्सा। मध्य प्रदेश के कमलनाथ और छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार कर्मचारियों को देगी दिवाली का तोहफा। आज किया जाएगा वेतन, पेंशन और मजदूरी का भुगतान। 10 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को मिलेगा फायदा। पहले 1 नवंबर को दिया जाता था वेतन। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुनवाई आज। कारोबारी रतुल पुरी की होगी सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में पेशी। आज खत्म हो रही है पुरी की न्यायिक हिरासत, समर्थकों ने की रिहाई की मांग। 5 दिवसीय दीपावली के उजास दीपोत्सव पर्व का हुआ शुभारंभ। आज मनाया जा रहा है धनतेरस का त्योहार। आज लोग खरीदेंगे सोना चांदी और बर्तन, बाजारों में उमड़ेगी भीड़, लाइटों से सजे सभी दफ्तर और घर। नहीं हो रहा ऑटो सेक्टर में मंदी का असर, अक्टूबर में चौथी बार टाटा मोटर्स में काम बंदी। टाटा कमिंस में भी 2 दिन का ब्लॉक क्लोजर। आज से बंद रहेगी कंपनी की जमशेदपुर इकाई, गिरती मांग की वजह से लिया गया फैसला। टाटा मोटर्स के प्लांट हेड को जारी किया गया सर्कुलर। गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में बदलेगा मौसम का मिजाज। आज 3 राज्यों में होगी बारिश, मौसम विभाग ने जताई संभावना। राजधानी दिल्ली में भी चलेगी हल्की सर्द हवाएं। और भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाली सीरीज से छठे संशय के बादल। बीसीबी ने मानी बांग्लादेशी खिलाड़ियों की वेतन बढ़ोतरी की मांग। सीरीज शुरू होने से पहले आज प्रिपरेशन कैंप में शामिल होगी टीम। भारत के दौरे के मद्देनजर आयोजित हो रहा है कैंप।